कोर्स फॉर 180 पॉइंट्स सम यूनिवर्सिटी ऑफरिंग एट 1 ईयर एंड सम 1.5 ईयर, हाउ इट विल डिफर एंड विच वन टू चूज एंड कॉस्ट इज सेम। सो कार्तिक, होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कोर्स का मॉड्यूल्स क्या है। तो आप किस, इज इट टॉट और कोर्स बेस्ड, इज इट रिसर्च बेस्ड, उस पर डिपेंड करता है। प्लस आपके उसमें प्रोजेक्ट है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है ड्यूरेशन। तो अगर सेम कोर्स दो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है 180 पॉइंट्स एंड 120 पॉइंट्स, तो उसके कोर्स कंटेंट में डिफरेंस है, तभी उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। सो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए, पीआर के लिए, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आपने 1 ईयर का कोर्स किया है या 1.5 ईयर्स का किया है या 2 ईयर्स का किया है, क्योंकि 2 ईयर्स के ऑप्शन भी है मास्टर्स में, बट देन द कॉस्ट गोज वेरी हाई। सो अगर आपको कंपैरिजन मिल रहा है 180 पॉइंट्स और 120 पॉइंट्स का, तो 120 को अगर आप कंसिडर करोगे तो आप ज़्यादा बेनिफिशियली बेनिफिट में रहोगे, आपको कम पे करना पड़ेगा, आपको सेम वर्क राइट्स मिलेंगे और लेटर ऑन यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर आल्सो विद द सेम पर्टिकुलर कोर्स।